हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने हासिल किया विश्वास मत, बहस के बाद ध्वनिमत से हासिल की जीत। हरियाणा आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने किया दावा, बीजेपी जेजेपी के बीच हुआ है गुप्त समझौता। कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक और झटका, महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री पद्माकर बलवी बीजेपी में शामिल हुए। अटकलों के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान, पहले आसनसोल से चुनाव लड़ने के इनकार किया था। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता अजय कपूर, अजय कपूर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और कांग्रेस सांसद परनीत कौर कल बीजेपी में हो सकती हैं शामिल, पटियाला से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बंगाल में भागे हुए सीएम ममता के भाई बाबुन बनर्जी, हावड़ा से प्रसून बनर्जी को टिकट देने का विरोध किया, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चुनाव से पहले देश को बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। 15 और 16 मार्च को मिशन दक्षिण पर रहेंगे पीएम मोदी, तमिलनाडु कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी सभा करेंगे। चुनाव से पहले महिलाओं को कांग्रेस ने दी 5 गारंटी, केंद्र में सरकार बनने पर हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया। महाराष्ट्र के धुले पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल बोले कांग्रेस की सरकार बनने पर बिना सर्वे के ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए आ जा सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट, 100 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार की 11 मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर लड़ेगी चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ऐलान किया। चुनाव आयोग को मिला चुनावी बॉन्ड का डेटा, स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए 22,217 बॉन्ड। सीएए लागू करने पर भड़के सीएम केजरीवाल, बोले हमारा हक पाकिस्तान के बच्चों को देना चाहती है बीजेपी। सीएम केजरीवाल को बीजेपी का जवाब, रविशंकर प्रसाद बोले सीएए से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी का सीएए को लेकर आरोप, कहा मुसलमानों के साथ हो रहा है अन्याय, सीएए देश के संविधान के खिलाफ। सीएए को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, बोली मुस्लिम भाइयों को सड़कों पर लाने के लिए बीजेपी ने यह कानून लेकर आई। झारखंड कांग्रेस की एमएलए अंबा प्रसाद पर ईडी के छापे, विधायक का आरोप बीजेपी ने टिकट देने की कोशिश की, ऑफर ठुकराने पर दबाव बनाने का प्रयास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मॉरिसस दौरा, राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगी, भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी भी समारोह में शामिल होगी। पंजाब के भटिंडा से दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान, दिल्ली में होनी है किसानों की महापंचायत। गुजरात के पोरबंदर में 480 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी अरेस्ट किए गए हैं, पोरबंदर से करीब 350 किलोमीटर दूर अरब सागर में नाव पकड़ी गई। बिहार के बगहा में शराब लेकर जा रही पिकअप वैन पलट गई, शराब की बोतलों को लूटने की होड़ मच गई, नीतीश के राज्य में शराबबंदी है उसके बाद यह हाल। दिल्ली में कैंसर की नकली दवा बनाने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है, 4 करोड़ की दवाएं जब्त हुई हैं और 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एबीपी न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई है, जनरल कैटेगरी के लिए कोई पद नहीं होने की वजह से बवाल हुआ था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेगा लोन मेले में शिरकत की, एमएसएमई सेक्टर के लिए लाभार्थियों को बांटा गया लोन। नोएडा में अब रोबोट की मदद से आग पर काबू पाएंगे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, मेक इन इंडिया के तहत रोबो ये बनाया गया। हैदराबाद में रमजान के पहले दिन फ्री हलीम खिलाना महंगा पड़ गया, दुकान पर इतनी भारी भीड़ उमड़ गई कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, पुलिस को लाठियां तक भागनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और हिमस्खलन ने परेशानी बढ़ा दी है, बांदीपोरा में गांव का संपर्क शहर से टूट गया है।